अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, क्या हाल है? उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर फाइव में बेटा ये कहा गया, ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं है। अब इसका भी रूल होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। जैसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर 1 आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखें बेटा, 3 × 1/3, या 3 × 3 कैंसिल, आपका आंसर 1 आ गया। इसी तरह 2 × 1/2, 2 × 2 कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये होता है, अगर दो मैट्रिक्स है उसको हम मल्टीप्लाई करें उसका आंसर आई की इक्वल आ जाए। आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है? आई मतलब आइडेंटिटी होता है, आई की वैल्यू होती है 1 0 0 1। अगर हमारा आंसर इस वैल्यू की इक्वल आ गया तो वो ये मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। हम ए को ए का नाम रख लेते हैं, इसको हमने ए का नाम लेट कर लिया, इसको हमने बी का नाम लेट कर लिया। दोनों मैट्रिक्स को हमने ए और बी का नाम लेट कर लिया, सपोज कर लिया, ये इनके नेम रख लिए बेटा हमने। अब दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इनका आंसर बेटा ये आ गया हमारे पास 1 0 0 1 मैट्रिक्स में, तो ये आइडेंटिटी होगा, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गए। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। अब देखिए बेटा, ए बी, पहले हमने ए की वैल्यू लिखी, बाद में बी की वैल्यू लिखी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के हमने पीछे भी क्वेश्चन किया, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, 3 × 7 = 21 ±−5 × 4 = 20 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 × 5 = 15 ±−, और 5 × 3 = 15 मिड में प्लस फार्मूले का आ जाएगा, वो 15 आ गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 × 7 = 28 ±−7 × 4 = 28 आ जाएगा, −28। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 × 5 = ±20 ±−20। फिर 7 × 3 = 21 मिड में प्लस फार्मूले का 7 × 3 = 21 आ गया। अब 21 में बेटा 20 निकाल दे, क्या बचेगा हमारे पास? 1 बचेगा। 15 से -15 और +15 कैंसिल, 0 आ गया। 28 +28 माइनस कैंसिल, हमारा आंसर 0 आ गया। फिर 21 में 20 निकाल दे, हमारा आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। हमारी ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 1 0 1 किसके इक्वल आ गई? आइडेंटिटी की, आई के इक्वल। तो ये क्या होगा? यस, इसको हम लिखेंगे, नीचे लिख देंगे यस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। आप यहाँ पे यस भी लिख सकते हो यार, या और ये भी लिख सकते हो यस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। उम्मीद है बेटा आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो आप बेटा मुझे बता देना, मैं दोबारा आपको फिर रिवाइज करा दूँगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।